मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिकल फॉर्म्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र देखें, यदि हमको x और y दो फंक्शन एक तीसरे वेरिएबल t के फलन के रूप में दिए हों, यानी x इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी टी, और हमको यदि dy / dx फाइंड करना है तो dy / dx इक्वल हो जाएगा dy / dx इंटू dx / dt। इसको तो dy / dx इक्वल आ जाएगा dy / dt / dx / dt। dy / dt कितना होगा g - t, और dx / dt होगा f - t। तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा g - t / f - t। इनको यानी g और f का डिफरेंशियल करके इनको न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर रखने पर हमको dy / dx फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। x इक्वल टू a cos थीटा, यानी x फंक्शन है थीटा का, y फंक्शन है थीटा का, थर्ड वेरिएबल का। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले x का थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया तो dx / d थीटा हो जाएगा माइनस a sin थीटा, और y का थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया तो dy / d थीटा इक्वल टू a cos थीटा। तो dy / dx इक्वल टू dy / d थीटा dx / d थीटा। तो dy / d थीटा और dx / d थीटा वैल्यू रख करके इसका हमने आंसर ज्ञात कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम एक्सरसाइज 5.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमको यहाँ पर x और y t के फंक्शन के रूप में दिए हुए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम dx / dt इसको ज्ञात करेंगे। तो 280 स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 480। इसके बाद हम निकालेंगे dy / dt, तो dy / dt कितना हो जाएगा 4at³। अब हमको क्या चाहिए, dy / dx इक्वल dy / dt / dx / dt। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो dy / dt कितना दिया हुआ है 4at³, और dx / dt कितना दिया हुआ है 4at। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, और t³ / t हो जाएगा t²। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमको थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि x इक्वल टू साइन t दिया हुआ है, तो dx / dt कितना हो जाएगा cos t, और dy / dt तो कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। हमको चाहिए है dy / dx, तो dy / dx होता है dy / dt dx / dt। तो dy / dt कितना है माइनस 2 sin 2t, और dx / dt कितना है cos t। तो यह आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसमें सबसे पहले dx / dt ज्ञात करेंगे, तो 4t का डिफरेंशिएशन होगा 4। इसके बाद dy / dt ज्ञात करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 4 - 1 t⁻⁻⁺ -2। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, यह आ जाएगा -4 /
टी स्क्वायर डी बाय वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाय डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, दिया हुआ है माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है फोर, फोर और फोर कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।